हे गाइस, माय नेम इज जय। वेलकम बैक टू जिप्पी स्टूडियो। दोस्तों, आज का ये एपिसोड ऑडियो मिक्सिंग और साउंड इफेक्ट पे होने वाला है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक कहां से डाउनलोड करना है, या फिर आप खुद का कैसे बना सकते हो, और दोस्तों अपने वीडियोस का ऑडियो में नॉइस रिडक्शन कैसे करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट 3D ऑडियो। इसके लिए क्या आपको चश्मा लगाना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, इसलिए तो मैं बोल रहा था हेडफोन्स लगाओ, क्योंकि अभी जो मेरी आवाज सुन रहे होगे वो आपको एक कान से दूसरे कान तक सुनाई दे रही होगी। ये दोस्तों 3D ऑडियो है, तो सब कुछ आपको इस एपिसोड में देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहला और बेसिक नो कॉपीराइट म्यूजिक और साउंड कहाँ से लाना है, सिंपली आपको यूट्यूब पे सर्च कर लेना है और बाजू में फिल्टर लगा लेना है क्रिएटिव कॉमन का, जिससे आपके वीडियो पे कॉपीराइट नहीं पड़ेगा। हमने अपने काफी सारे वीडियोस में खुद का बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया। अगर आपको भी जानना है कि कैसे बनाते हैं, तो आप कमेंट करके जरूर से बताना, हम लोग उस पर भी एपिसोड डाल देंगे। अभी जो आपने ट्रांजिशन देखा, उसके साथ साथ आपने साउंड का भी फील किया होगा, तो ये चीज अगर आप अपने वीडियोस में लगाते हो तो ये काफी सिनेमैटिक और कूल दिखता है। दोस्तों, इसे कैसे करना है ये चीज MS के सर बताएं। जैसे जब कुछ हवा से खींच रहे हो वैसा एक साउंड है। देखो, ये साउंड आप खुद से भी बना सकते हो। देखो ऐसा माइक लेके कर लो साउंड। साउंड ट्रांजिशन के एडिटिंग के लिए सिंपली हमें काइनमास्टर में दो से ज़्यादा फोटो या वीडियो क्लिप को इंपोर्ट कर लेना है। फिर हमें यहाँ पे ट्रांजिशन पे क्लिक कर लेना है और आपको एक्सेलरेशन ऐड कर लेना है। दोस्तों, अगर आपके काइनमास्टर में एक्सेलरेशन ट्रांजिशन नहीं है, तो आप गेट मोर पे क्लिक करके उसे डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे ट्रांजिशन लगा देना है और हमें ऑडियो पे क्लिक करके वो साउंड इफेक्ट ऐड कर लेना है। इस साउंड इफेक्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सिंपली आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। वो साउंड को हमें सभी ट्रांजिशन इफेक्ट पे ऐड कर लेना है, फिर आपको कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा। दोस्तों, अपने फेस कैम या वॉइस और वीडियो में कैसे बैकग्राउंड म्यूजिक को प्रोफेशनली सेट करना है। जैसे अभी आपको जो बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई दे रहा होगा वो काफी लो वॉल्यूम में होगा, फिर जैसे ही मेरा फेस कैम खत्म होता है उसके बाद आपको ये वॉल्यूम पूरा अप हो जाएगा। वीडियो में प्रोफेशनली बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पर दो फुटेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। पहला फेसकैम वीडियो है और दूसरा सिंपल वीडियो है। सो अब मैं यहाँ पर एक म्यूजिक को ऐड कर लेता हूँ, फिर इसे अच्छे से ट्रिम कर लेता हूँ और दोस्तों इसका डकिंग अनेबल कर देता हूँ। डकिंग ऑन हो जाएगा तो आपका जो म्यूजिक होगा वो प्रोफेशनली बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा। तो गाइस, अब मैं यहाँ पर म्यूजिक पे क्लिक करता हूँ और थर्ड ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग और एंड पार्ट पे एक पॉइंट लगा देना है। यहाँ पर मेरा पहला फेसकैम वीडियो है, तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में बैकग्राउंड म्यूजिक का लेवल कम रखूंगा। तो फर्स्ट पॉइंट पे वॉल्यूम डाउन कर लेना है, और जहां तक हमें वॉल्यूम डाउन रखना है वहां पर हमें दूसरा पॉइंट लगा देना है, और उस पॉइंट पे भी हमें वॉल्यूम को डाउन कर लेना है। फिर नेक्स्ट वीडियो क्लिप है, वहां पे जाके एक और पॉइंट लगा देना है, और उस पॉइंट को हमें 100% वॉल्यूम कर लेना है, जिससे आपका बैकग्राउंड म्यूजिक का लो से अप वॉल्यूम होएगा और ये प्रोफेशनली बैकग्राउंड म्यूजिक लगेगा आपके फेस कैम या वॉइस ओवर वीडियो में। तो चलिए मैं इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूं और फाइनल आउटपुट दिखा देता हूं। हे गाइस, माय नेम इज जय। वेलकम बैक टू जिप्पी स्टूडियो। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको मोबाइल के लिए दोस्तों ये काफी सिनेमैटिक और प्रोफेशनल लगता है देखने वालों को और सुनने वालों को। साउंड मूवमेंट, दोस्तों अभी जो मेरी आवाज सुन रहे हैं वो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट हो रही होगी। ये चीज काइनमास्टर में भी एडिट होती है और काफी सारे यूट्यूबर्स इसे ट्रेंडिंग म्यूजिक में चिपका के लाखों व्यूज छाप लेते। मुझे भी ट्राई करना पड़ेगा, कॉपीराइट मिलेगा, सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। दोस्तों, 3D साउंड एडिटिंग के लिए सबसे पहले हमें एक वीडियो फुटेज को इंपोर्ट कर लेना है और उसके नीचे एक बैकग्राउंड म्यूजिक को भी ऐड कर लेना है। उस बैकग्राउंड म्यूजिक को अच्छे से ट्रिम कर लेना है अपने वीडियो फुटेज के हिसाब से। फिर दोस्तों उस बैकग्राउंड म्यूजिक का हमें डुप्लीकेट बना लेना है। दोस्तों, हमें दो और डुप्लीकेट बना लेने हैं, जिससे तीन ऑडियो हो जाएंगे अपने वीडियो के नीचे।
फिर दोस्तों एक ऑडियो पे क्लिक कर लेना है और उसका डकिंग ऑन कर लेना है। डकिंग अनेबल होने के बाद उस ऑडियो का वॉल्यूम लेवल हमें 20% जितना रख लेना है। फिर दोस्तों हमें फर्स्ट वाले बैकग्राउंड म्यूजिक पे क्लिक कर लेना है और इसके ऑडियो सेटिंग्स में जाना है। फिर दोनों ही स्लाइडर को हमें 100% राइट साइड कर लेना है और गाइस ऐसे ही दूसरे ऑडियो पे चले जाना है और दूसरे ऑडियो सेटिंग्स में हमें दोनों ही ऑडियो स्लाइडर को लेफ्ट में ले लेना है। तो यहाँ पर हमारे तीन बैकग्राउंड म्यूजिक हो गए, एक राइट कान में सुनाई देगा, एक लेफ्ट कान में सुनाई देगा और एक बैकग्राउंड में बजेगा जो 20% वॉल्यूम में होगा। अब दोस्तों हमें सिंपली यहाँ पर टैप करके हर एक सेकंड के बाद बुकमार्क लगा देना है, जैसे मैं यहाँ पे करते जा रहा हूँ, सिंपली आप भी उसे फॉलो करते जाना। अब दोस्तों सिंपली हमें फर्स्ट वाले बैकग्राउंड म्यूजिक पे क्लिक कर लेना है, फिर दोस्तों उसके वॉल्यूम एनवेलप पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे हमें जितने भी बुकमार्क लगा है वहां पर अप डाउन कर लेना है वॉल्यूम को। तो यहाँ पर पहले बुकमार्क में चले आना है और फर्स्ट बुकमार्क पे हमें वॉल्यूम थोड़ा अप कर लेना है, फिर सेकंड बुकमार्क में 0% वॉल्यूम कर देना है, फिर थर्ड बुकमार्क में वॉल्यूम 100% कर लेना है। ऐसे करते करते आपको अप डाउन कर लेना है वॉल्यूम को जहां जहां पे बुकमार्क है। अब दोस्तों फर्स्ट बैकग्राउंड म्यूजिक पे हो जाने के बाद सिंपली आपको सेकंड बैकग्राउंड म्यूजिक पे उसका अल्टरनेटिव कर लेना है। दोस्तों आप अपने बैकग्राउंड म्यूजिक के हिसाब से एडिटिंग भी कर सकते हो, चाहे आप 1 सेकंड का गैप लो या फिर 5 सेकंड का गैप लो, ये आप पे डिपेंड करता है। आप अपने वीडियो में कौन सा बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करते हो ये उस पे डिपेंड करता है। सिंपली आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो भी बुकमार्क पे आप राइट वाले बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम अप करते हो उसी बुकमार्क पे आपको लेफ्ट वाले बैकग्राउंड म्यूजिक का वॉल्यूम डाउन करना है, यानी कि आपको अपोजिट करना है, जिससे आपका स्मूथली साउंड मूवमेंट होगा और ये प्रोफेशनली 3D बैकग्राउंड म्यूजिक लगेगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको इस वीडियो का फाइनल आउटपुट दिखा देता हूँ। और ये काफी कमाल का लगता है। बैकग्राउंड नॉइस दोस्तों ये उन सारे यूट्यूबर्स की समस्या है जो फेस कैम और वॉइस ओवर करते हैं। और गाइस आपको अभी बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज्यादा सुनाई दे रहा होगा मेरी आवाज के साथ, इसे मैं एक चुटकी में हटा सकता हूँ। क्यों दोस्तों हट गया ना नॉइस? तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। दोस्तों नॉइस रिडक्शन के लिए हमें 2 ऐप की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली जो ऐप है इसमें हमें अपने वीडियो का ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक वीडियो को इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट MP3 पे क्लिक करके इसका ऑडियो में कन्वर्ट कर लेता हूँ। फिर दोस्तों इस ऑडियो को हमें लेक्सिस ऑडियो कन्वर्टर एप्लीकेशन में ले आना है। दोस्तों ये दूसरी ऐप है, इस ऐप में उस ऑडियो को इंपोर्ट कर लेना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे ऑडियो में बहुत ज़्यादा नॉइज है, इसको रिड्यूस कैसे करना है? सिंपली 3 डॉट पे क्लिक कर लेना है और इफेक्ट में चले जाना है। फिर आपको नॉइस रिडक्शन का एक ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर नॉइस रिडक्शन में रेट 80% होगा, दोस्तों उस रेट को थोड़ा सा कम कर लेना है, आपके ऑडियो के बैकग्राउंड नॉइस के हिसाब से एडजस्ट करना, वरना अगर आप 80% पे सेव कर लोगे तो आपकी आवाज थोड़ी सी बदल सी जाएगी। इतना सेटिंग करने के बाद वापस से 3 डॉट पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना है और दोस्तों रिवर्ब वाले ऑप्शन पे चले जाना है। रिवर्ब में आने के बाद आपको कुछ ये वाली सेटिंग्स कर लेनी है। दोस्तों स्क्रीन पे दिखाई दे रहे सेटिंग्स का स्क्रीनशॉट ले लो और जब भी आप अपने ऑडियो का नॉइस रिडक्शन करो उसके बाद ये सेटिंग्स को जरूर से अप्लाई करना, जिससे आपकी ऑडियो नेचुरल लगेगी और क्रिस्पी वॉइस आएगा। अब हमें एक और बार इफेक्ट पे क्लिक करना है, कन्वर्ट स्टीरियो मोनो पे क्लिक कर लेना है, फिर दोस्तों कन्वर्ट लेफ्ट टू मोनो पे अप्लाई कर देना है। दोस्तों इतना करने के बाद लास्ट सेटिंग आती है, इस ऑडियो को नॉर्मलाइज कर देना है। 3 डॉट पे क्लिक करके इफेक्ट में चले आना है और इस ऑडियो को नॉर्मलाइज कर देना है। इससे आपका ऑडियो फटेगा भी नहीं और इसका वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, जिससे आपका ज्यादा फायदा हो जाएगा। तो बस यार थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। स्क्रीन पे दिखाई दे वीडियो को आपने नहीं देखा हो तो उसे भी चेकआउट कर लेना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों हम लोग ऐसे ही वीडियोग्राफी टिप्स एंड ट्रिक्स और एडिटिंग ट्यूटोरियल हमारे चैनल पे रेगुलर डालते रहते हैं। तो बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे बनाना है वो सीखना है तो हमें कमेंट करके जरूर से बता देना और इस वीडियो को शेयर करके अपना सपोर्ट और प्यार जताना। तो चलिए दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।